नमस्कार, शब्दसाची के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर भारत लौट आई हैं। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए दो मेडल जीते। मनु का दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। यहाँ से वो खेल मंत्रालय गईं। मनु ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज जीते थे। वो एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है। जिस तरीके का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे भी और यहाँ होटल में भी लीला पैलेस, मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूँगी और अपना बेस्ट देती रहूँगी। जी, मैं उसको लेकर सिर्फ इतना सोचती हूँ कि अब मैं घर लेकर आई हूँ तो दो मेडल और बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आगे और मेहनत करने का। जी, उस समय में तो सिर्फ कोशिश कर रही थी मैं कि अच्छे से अच्छा हो, जितना अच्छा हो सके मैं बस कोशिश करती रहूं प्रदर्शन करने का और जो मेरी टेक्निक है बस उसको फॉलो करूं। तो इतना ज़्यादा मेडल के बारे में नहीं सोच रही थी, बस कोशिश कर रही थी कि अच्छा करूं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय से मैंने इंडियन खाना नहीं खाया था अच्छे से, और यहाँ पहले ही स्वागत में मुझे आलू के पराठे और बहुत सारे और व्यंजन खाने को मिले, तो बहुत अच्छा लगा। जी, कुछ समय के लिए थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद से वापस फिर ट्रेनिंग शुरू करूँगी। मुझे दरअसल कार्स बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स कार्स, सुपर कार्स। सुपर कार्स हालांकि इंडिया में ड्राइव करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है, और बट मुझे बहुत सारी कार्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मेरी एक ऐसी लिस्ट है, बट आई थिंक उनमें से पोर्शे है जो मुझे बेहद पसंद है। और मतलब हर सेगमेंट में कुछ हैं, BMWs की कुछ कार्स हैं, मर्सिडीज़ के कुछ कार्स हैं और रेंज रोवर के कुछ कार्स हैं, तो आई थिंक हर ऑडी के हैं, तो आई थिंक हर एक सेगमेंट में कुछ कार्स तो ऐसे होते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी है। तो मेरा सोशल मीडिया काफ़ी लंबे समय से बंद था, लगभग 1.5-2 महीने से तो मैंने कुछ भी देखा ही नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, किस तरीके का माहौल है ओलंपिक्स को लेकर। तो मेरे ख्याल से एक वो फैक्टर था जिसने काफ़ी मुझे हेल्प किया और काफ़ी मैं फोकस रह पाई। और मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ था कि मैंने जो सीखा है ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस रही थी, और मैंने जो सीखा है ट्रेनिंग में मैं बस उसी को फॉलो करूँ और बस अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दूँ। राजस्थान के जैसलमेर, पाली और जोधपुर में पिछली तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 10 इंच, पोकरण में 7 इंच बारिश दर्ज की गई। पाली में बाढ़ के चलते 52 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया, यहां 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। उधर बिहार में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंडक, बागमती और कोसी नदी उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 10 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं। बुधवार को उनका वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा मिला, इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्हें ओलंपिक में कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। बता दें कि विनेश मंगलवार को 3 मुकाबले जीतकर ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें अपना वजन कम करने के लिए थोड़ा समय देने की मांग की, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं, मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। भोपाल में विधायक और सांसदों की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रचना टावर में बुधवार सुबह 12 लाख की लूट हो गई। यहां एक फ्लैट में बने शराब कंपनी के दफ्तर में घुसकर दो बदमाशों ने मैनेजर को कट्टा अड़ाया, फिर रुपयों से भरा बैग ले भागे। पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश में शहर की नाकेबंदी कर दी है। CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची। गोविंदपुरा पुलिस ने बताया, रचना टावर में
नामी शराब कंपनी का दफ्तर है। बुधवार सुबह करीब 8:30 पर दो लोग यहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और शराब कंपनी के कर्मचारी वीरेंद्र गुप्ता के नाम से आवाज लगाई, जिसके बाद 63 वर्षीय मैनेजर श्याम सुंदर जायसवाल ने दरवाजा खोल दिया। बदमाशों ने पीने के लिए पानी मांगा तो श्याम सुंदर किचन की तरफ बढ़े और उनके मुड़ते ही बदमाशों ने कट्टा पीठ पर लगा दिया, जान से मारने की धमकी देते हुए वारदात को अंजाम दिया। डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने कहा कि जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फरियादी ने बताया है कि सुबह लगभग 8-9 की बात है, इसमें दो लोगों ने दरवाजा बेल बजा के दरवाजा खुलवाया है किसी व्यक्ति को पूछते हुए, और इसके बाद वो लोग अंदर आए हैं। फिर उसके बाद जो व्यक्ति ने दरवाजा खोला था उसके हाथ पकड़ते हुए पीछे से बांधते हुए ऊपर ले गए हैं और पूछा है कि कैश कहाँ पे रखा है, और इसके बाद उन्होंने उस रूम में जाके उस कैश को, हाँ अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं और इसमें कुछ फुटेज वगैरह मिले भी हैं और जो भी टेक्निकल एविडेंस है वो सब इकट्ठे किए जा रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं उसमें कि अगर पहले इस तरीके की कुछ घटना हुई है उसमें क्या चीजें पाई गई हैं, और अभी भी जो ये घटना हुई है इसके बारे में भी टीम लगातार अपना काम कर रही है, शीघ्र ही हम इनको उसको पकड़ेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने निर्णय किया है कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से 10,000 रुपए परिजनों को दिए जाएंगे। मोहन कैबिनेट ने ई कैबिनेट को मंजूरी देते हुए वित्त विभाग में पीएमयू के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा में ब्रांच बढ़ाई गई है। सीएम यादव ने कहा है कि प्रदेश भर में चल रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज में संचालित कोर्स की समीक्षा की जाएगी और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर ट्रेनिंग देने का काम पॉलिटेक्निक और आईटीआई में किया जाएगा। जेल में तकनीकी शिक्षा देने का काम भी किया जाएगा। मैहर बुरहानपुर में नई जेल बनाई जाएगी। बैठक में तय किया गया है कि कई गरीब कैदी हैं जिनके द्वारा मामूली शुल्क की राशि जमा नहीं होने से वो रिहा नहीं हो पाते, ऐसे कैदियों की शुल्क राशि सरकार भरेगी। इसके अलावा भी कैबिनेट में कई और निर्णय लिए गए। गुना से लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 जून को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सिंधिया के इस्तीफे के 57 बाद इस सीट पर चुनाव का ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर 3 अगस्त को चुनाव होगा। इंदौर में एक बी फार्मा स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। कोचिंग टीचर ने उसके खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। स्टूडेंट के पिता का आरोप है कि 45,000 रुपए दिए तब पुलिस ने बेटे को छोड़ा, इसके बाद वो घर आकर खूब रोया और अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। परिवार का ये भी कहना है कि टीचर बेटे को परेशान कर रही थी, उसने झूठे केस में फंसाने के कई धमकी भरे मैसेज भी दिए थे। परिवार के मुताबिक गौरव का टीचर से अफेयर हो गया था, संबंध गहराने के बाद टीचर उसे अलग अलग तरह से ब्लैकमेल करने लगी। पोस्टमार्टम के बाद परिजन गौरव का शव लेकर महिला थाने पहुंचे, यहां जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें समझाइश देने की कोशिश की लेकिन परिवार के लोग नहीं माने, उन्होंने रुपए लेने वाली महिला पुलिसकर्मी पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं टीचर और उसकी मां पर केस दर्ज करने के साथ उन्हें फांसी की सजा की मांग भी की है। अफसरों ने उन्हें कार्यवाही का आश्वासन दिया तब जाकर प्रदर्शन खत्म किया गया। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अनुसूचित जाति नवीन बालक छात्रावास बोदाबाग के अधीक्षक विनोद कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया है। दरअसल छात्रावास के विद्यार्थियों ने शिकायत की थी, जांच के दौरान अनियमितता पाई गई। बता दें कि देर रात छात्रावास के दर्जनों छात्र कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। छात्रों ने आरोप लगाया था कि छात्रावास में साफ सफाई नहीं रहती और गुणवत्ता विहीन भोजन दिया जाता है। पर SC ST छात्रावास है, उसके छात्रों द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनके जो सुपरिंटेंडेंट हैं, जो शासन द्वारा उनको सुविधाएं दी जाती हैं, वो बच्चों को नहीं मिल रही हैं। तो इस संबंध में कल रात में DO ट्राइबल और तहसीलदार ने वहाँ विजिट किया और ये पाया कि बच्चों की जो शिकायतें वो सही हैं और वहाँ के जो अधीक्षक थे और चौकीदार, उनके द्वारा अपने कार्य में भी लापरवाही की गई थी और जो व्यवस्थाएँ थी वो भी अप टू द मार्क नहीं मिली, इसलिए उनको निलंबित किया गया है।
इसके अलावा अपने जिले में लगभग 60 से अधिक SC ST छात्रावास हैं पूरे जिले में, सभी तहसीलों में मिलाकर के, सभी ब्लॉक लेवल पर और अन्य जगहों पर। तो उनके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की भी हम लोगों ने एक 100% सभी का एक बार वेरिफिकेशन हो जाए तो वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है कि वो स्वयं जा करके सभी छात्रावासों में देखें। हम लोग स्वयं अपने स्तर से भी छात्रावासों का विजिट करेंगे कि यदि जहां भी इस तरीके की दिक्कतें हैं उनका निराकरण किया जाए और छात्रावास में जो बच्चे रहते हैं उनको भली प्रकार से जो शासन सुविधाएं दे रहा है वो मिले। अधीक्षक की जो बच्चों की शिकायत थी कि भोजन उनको ठीक से नहीं मिल रहा था, जो मेन्यू है उसका पालन नहीं कर रहे थे, जो वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था थी वो सही नहीं पाई गई, अधीक्षक अनुपस्थित थे जिस वक्त तहसीलदार और DO ट्राइबल का विजिट हुआ था, तो ये सभी मुख्य बिंदु लापरवाही के पाए गए जिसके लिए उनको निलंबित किया गया है। रीवा में रिश्वत लेने के मामले में विशेष न्यायालय ने तत्कालीन तहसीलदार को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि रीवा लोकायुक्त ने मऊगंज के तत्कालीन तहसीलदार नन्हे लाल वर्मा को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, जिस पर विशेष न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई और दोष सिद्ध पाया गया। सागर और रीवा में दीवार धंसने से हुए बच्चों की मौत के बाद रीवा में जिला प्रशासन ने जर्जर और अति जर्जर मकानों पर कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। सोमवार से शुरू हुई कार्यवाही बुधवार को भी जारी रही। रीवा में 20 से अधिक ऐसे अति जर्जर मकान चिन्हित किए गए जो खतरे की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गिराया जा रहा है। बारी बारी से सभी जर्जर और अति जर्जर मकानों को गिराया जाएगा। कलेक्टर ने लोगों से भी अपील की है कि जो भी लोग जर्जर मकानों में रह रहे हैं वो जागरूकता दिखाते हुए तत्काल जर्जर भवनों को छोड़ दें। नगर निगम रीवा के अलावा सभी नगरीय निकायों में ये कार्रवाई की गई है। इसमें जर्जर भवनों को आइडेंटिफाई किया गया है और चिन्हित करने के बाद 2 तरीके के भवन चिन्हित हुए हैं, जिसमें एक कैटेगरी जर्जर भवनों की आती है, दूसरी भयप्रद भवनों की आती है। तो जो अति जर्जर या भयप्रद होते हैं उनको रिमूवल की कार्रवाई शुरू की गई है। आज भी नगर निगम सीमा क्षेत्र में कार्रवाई हुई है और अब पुलिस और नगर निगम की टीम का समन्वय भी हो गया है। कल से ये कार्रवाई और तेजी से होंगी। पूरे शहरी क्षेत्र में 18 से 20 ऐसे भयप्रद मकान चिन्हित किए गए हैं जिनको गिराना लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा मैं ये अपील भी करना चाहूंगी कि जो लोग स्वयं जर्जर भवनों में रह रहे हैं या चाहे वो स्वयं मकान मालिक हैं या किराएदार हैं, ये उनके स्वयं के भी जान माल के लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसे भवनों को तत्काल छोड़ दें और जो भवन मालिक हैं ये उन्हीं का दायित्व है कि ऐसे भवनों को हटाएं भी ताकि वो दूसरों के लिए परेशानी का कारण ना बने। रीवा संभाग के सभी जिलों में खरीफ फसल की बोनी का कार्य तेजी से जारी है। सभी जिलों में अच्छी बारिश होने के साथ ही धान की रोपाई में तेजी आई है। संभाग में वर्ष 2024 में खरीफ फसल के लिए 10,04,410 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से सर्वाधिक क्षेत्र 7,18,210 हेक्टेयर धान का है। संभाग के विभिन्न जिलों में अब तक 6,14,290 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है। इसमें से धान का कुल रकबा 3,85,550 हेक्टेयर है। इस संबंध में संयुक्त संचालक कृषि JS नेताम ने बताया कि सतना, रीवा, मैहर और सिंगरौली जिलों में हाल ही में अच्छी वर्षा से धान की रोपाई में तेजी आई है। रीवा संभाग में ज्वार, मक्का, बाजरा, कोदो, कुटकी की बोनी हो चुकी है। दलहनी फसलों में अरहर, मूंग, उड़द की बुवाई भी हो चुकी है। रीवा के सगरा थाना अंतर्गत टिकुरी साकेत बस्ती में मंगलवार देर रात 3:30 बजे अज्ञात जंगली जानवर घुस गया, जिससे गांव में दहशत फैल गई। जानवर ने 2 मवेशियों का शिकार कर लिया। हमले में एक महिला बाल बाल बची। महिला घर के बाहर खड़ी थी, जानवर ने उसका पीछा किया तो महिला दौड़कर घर के अंदर भाग आई। रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र में भैरव बाबा मंदिर के समीप कुड़िया घाट में बारिश के दौरान पानी की तेज धार में 3 युवक फंस गए। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र ग्राम के बरहदी में निवासी युवक पिकनिक मनाने गए हुए थे, लेकिन अचानक पानी की तेज धारों ने उन्हें घेर लिया। युवकों ने पानी के बीच एक चट्टान में चढ़कर अपनी जान बचाई। कई घंटे तक युवक चट्टान में फंसे रहे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया। 5 घंटे बाद युवकों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
सतना भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बघेल पर 39 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। महिला ने पुलिस को बताया कि गत 26 जुलाई को वो घर पर अकेली थी और घरेलू कामकाज निपटा रही थी, तभी सुरेंद्र सिंह उसके घर में घुस आए और पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान बड़ा बेटा आ गया, जिसकी आहट सुनकर सुरेंद्र वहां से भाग निकला। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है। सीधी जिले के बमहनी चौकी क्षेत्र में बुधवार को एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने स्कूल जा रहे एक 10 साल के मासूम बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा ग्राम चौपाल में सुबह करीब 10 बजे हुआ। हादसे के बाद बाइक चालक मौके से भाग निकला। वहीं चुरहट थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि बाइक की टक्कर से एक बच्चे की मौत हो गई है। आरोपी बाइक चालक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, जल्दी ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची से। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।